लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से 2 फरवरी के आसपास, या कहें कि 1 फरवरी के आसपास एक नोटिफिकेशन आया है उन सभी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक पीएचडी के फॉर्म को आवेदन नहीं कर पाए थे, तो उनको एक और मौका दिया है यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के फॉर्म को भरने के लिए, और 7 से 5 दिन का आपके पास समय है। और दूसरी बात, ये जो फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड किया गया है, ये केवल पूर्णकालिक पीएचडी है, अर्थात फुल टाइम पीएचडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय में 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप लखनऊ विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम पीएचडी के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी अप्लाई करने की डेट अभी शेष है, जो कि 10 फरवरी 2022 रखी गई है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक और बात, यदि आप जानना चाहते हैं किस पाठ्यक्रम में पार्ट टाइम में और किस पाठ्यक्रम में फुल टाइम में कितनी सीटें हैं, तो उसके लिए एक वीडियो का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा। मेरे ही चैनल का मेरा ही वीडियो है जो आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में सीटों के बारे में विवरण बताया गया है, ठीक है। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जो बच्चे आवेदन करेंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ विशेष डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, जो पहले भी कई बार बता चुका हूँ वीडियो में। यदि फिर भी समझने में दिक्कत हो उन नोटिफिकेशन को तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अपना एक एनओसी लेटर तैयार रखिएगा। आवेदन करते वक्त हो सकता है आपसे मांगा जाए, या फिर जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपसे मांगा जाएगा, तो उस लेटर की व्यवस्था आप स्वयं कर लीजिए, पहले से कर लीजिए, एनओसी जिसको बोलते हैं। उसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी व्यवस्था भी कर लीजिए, और जो बच्चे रेगुलर के हैं उनको भी कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, खासकर जो बच्चे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, और उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है मैंने, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी अगर इच्छा हो तो देख लीजिएगा। और 7 फरवरी तक फुल टाइम के लिए और 10 फरवरी तक पार्ट टाइम के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए सेशन 22 और 23 का फॉर्म आया है, जल्दी उसको भर दीजिए ताकि आप अच्छे से एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी को कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपके पास कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, जो करना है अपनी पसंद बुद्धि विवेक के अनुसार कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।